हे हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे ICMA का मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो हर CMA फाउंडेशन एग्जाम जून मींस की जैन 2023 स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बताऊं, उससे पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप सभी यूट्यूब चैनल पर हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड जो साइड में बेल आइकन वाला बटन उस पर प्रेस कर देना ताकि CMA एग्जाम रिगार्डिंग कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट अनाउंसमेंट नोट्स आप मिस ना कर सके। अगर आप सभी अभी तक ग्रोन वाले टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो प्लीज़ जाके ज्वाइन कर लेना। नाउ अपडेट स्टार्ट करते हैं। ICMA ने हर CMA फाउंडेशन स्टूडेंट जिनका एग्जाम जैन 2023 में है उनके लिए मॉड्यूल एग्जाम टेस्ट का सेक्शन रिलीज किया है। मीन्स कि क्या होता है सर मॉड्यूल एग्जाम, ये एग्जाम वो है आपका जो रियल एग्जाम 13 जैन से स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले आप 7 to 10 तक आपका एग्जाम होगा मॉड्यूल एग्जाम। इस तरीके का कुछ शेड्यूल है, शेड्यूल आपका 7 जैन to 10 जैन है, कुछ 10 AM to 10:25 AM, फिर 10 to 25 कौन सा होगा फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसके बाद फंडामेंटल ऑफ अकाउंट, फिर 10:25 to 10:35 एक ब्रेक होगा, फिर 10th को देख सकते हैं 10th जैन को होगा जो आपका 10:35 AM to 11 AM का पेपर नंबर 3rd एंड पेपर नंबर 4। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, जरूर से जरूर इसे पढ़ लेना। इन डिटेल्स बता रहा हूँ इस वीडियो में सारे इंस्ट्रक्शन को। आई नो दैट कि थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा, टाइमिंग कंज्यूमेबल होगा, मीन्स कि थोड़ा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, बट स्किप दैट। इतना अगर आप अच्छे से सुन लेते हो तो आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा, तो प्लीज़ अच्छे से सुन लेना। डिटेल्स के लिए देख सकते द असेसमेंट 13th जैन इज गिवन अंडर एडमिट कार्ड, प्लीज़ चेक योर ईमेल ID। मीन्स कि डिटेल फॉर द असेसमेंट of 13th Jan 2023 is given under admit card, please check your register email ID। आपका जो भी admit card होगा आप please अपना एक बार mail ID cross check कर लेना students, and inbox and spam box। आपका admit card कहाँ मिलेगा आपको? spam box में। spam box याद रखना, आपके mail ID में spam box का section दिया जाता है, वहाँ पर आप check कर लेना। अब बिफोर एग्जामिनेशन कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ कीप योर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ, आपको जो गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ अप्लाई मीन्स की प्रोवाइड करते हैं उसे जरूर से जरूर यूज़ करना। क्या होता है सर गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ? वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं अभी माइनर होते हैं CMA फाउंडेशन में, माइनर की 18 ईयर से बिलो होते हैं, 12 से ही कर सकते, तो उनके लिए अब सर मेरे पास वोटर आईडी नहीं है, सर मेरे पास लाइसेंस नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, क्या करूँ? आधार कार्ड एक बेस्ट वे है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ टू बी अपलोड। अब सर इसको लेके आपको अपने एग्जाम जहाँ पे आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा मीन्स कि 10 जो 7 to 10 वाला शेड्यूल है इसमें, तो आपको लेके बैठना होगा, आपके नॉट ओनली 13th को भी आपको लेके बैठना होगा। क्यों? आपको अपलोड करना पड़ेगा इसको। इसके लिए प्लीज़ कीप योर लॉगिन डिटेल्स, आपका लॉगिन डिटेल जो रजिस्ट्रेशन ID होगा, 12 digit आइडेंटिफिकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड पास की हैंडलिंग शेयर ओवर मेल एंड SMS, आपको मेल के थ्रू ये सेंड कर दिया जाएगा। प्लीज़ इसका प्रिंट आउट निकाल लेना, बस इतना काम कर लेना, और ये सब कुछ आपको लिख लेना होगा एक पेपर पे, बिकॉज जब आप एक टूल्स इंस्टॉल करेंगे अपने लैपटॉप फ़ोन में या फिर डेस्कटॉप में तो वहाँ पे आप बैक नहीं कर सकते उसको एक बार इंस्टॉल कर ले तो। अब देख सकते वंस यू आर ओपन द एग्जामिनेशन पेज यू विल बी नॉट बी, यही मैं बताया आपको, एक बार अगर आप लॉग इन कर लिए आप एग्ज़ाम पेज पे चले गए तो आप अपने फ़ोन कंप्यूटर लैपटॉप से बैक स्पेस नहीं कर सकते हो, आपको कंटिन्यूसली आपको बैठना ही पड़ेगा, बैक के तो प्रॉब्लम फेस करेंगे। इसके लिए आप क्या करना, अपना आधार कार्ड नंबर, अपना आधार कार्ड, उसके बाद अपना एडमिट कार्ड, जितने भी मोस्ट डिटेल्स होंगे उसको अपने पेज पे लिख के भी रखना होगा। फिर थर्ड, प्लीज़ सीट इन ए क्विट रूम, आपको इस ऐसे जगह पे बैठना होगा जहाँ पे साइलेंट हो और अवॉइड ब्राइट लाइट बियॉन्ड योर फॉर एग्जाम्पल विंडोज़, जिससे भी यूज़ करते होंगे जो भी यूज़ करें ब्राइटनेस ज़्यादा ना बढ़ाएं उसका, और अच्छे कंडीशन में बैठे आप। प्लीज़ अपडेट या हाँ एग्ज़ाम से पहले आप अपना गूगल क्रोम को अपडेट कर लेना, अभी अपडेट आया है गूगल क्रोम का, तो प्लीज़ आप सभी अपडेट कर लेना। फिर सेटिंग बिफोर डाउनलोडिंग एप्लीकेशन योर लैपटॉप कंप्यूटर मोबाइल ये सब। फिर पॉइंट नंबर यहाँ पे लिखा एग्जामिनेशन विल बी स्टार्टेड शार्प 10 AM, एग्जैक्ट 10 बजे सवेरे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज़ मेक श्योर यू हैव इनफ पावर बैकअप, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई भी स्टूडेंट्स लैपटॉप में एग्ज़ाम दे रहा होगा तो प्लीज़ चार्जिंग लगा के रखें अपना, और अपना इंटरनेट जरूर से ज़रूर चेक करें कि क्या है इलेक्ट्रिसिटी क्या है आपका। एग्ज़ाम से पहले आपका लैपटॉप में भरपूर चार्जिंग होना चाहिए, किस में भी आप दे रहे हो, मोबाइल में दे रहे हो तो मोबाइल में चार्जिंग होना चाहिए, कंप्यूटर में अगर दे रहे हो तो कंप्यूटर का प्लग लगा के रखें आप चार्जिंग का। टू चेक वर्किंग फंक्शनैलिटी ऑफ योर सिस्टम वेबकम माइक्रोसॉफ्ट यूज़ फॉलो इस लिंक को, आपको यूज़ करना होगा। ये लिंक क्या है? कोकोबस का है, ये एक एप्लीकेशन है।
बेसिक इसी के थ्रू आपको अपना एग्ज़ाम देना होगा, तो प्लीज़ इसे इंस्टॉल कर लेना। बेसिक इंस्ट्रक्शन टू क्वेरीज, आपके कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन है आपके लिए, इसे मीन्स कि आपके माइंड में डाउट भी आता है तो उसे भी क्लियर हो जाएगा। कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्शन, ये 1 to 4 Mbps का है, नॉर्मल 10 Mbps सबको यूज करता है। लैपटॉप और कंप्यूटर, वेबकैम एंड माइक्रोफोन, रिकमेंडेड ब्राउजर गूगल क्रोम, मीन्स कि आप अपना एग्जाम देने के लिए ICMI खुद रिकमेंड करता है बेटा आप गूगल क्रोम को यूज करें। मोबाइल फ़ोन्स की अगर बात करते हैं तो एंड्रॉयड वर्जन 5 होना चाहिए अबो, ये सबके पास होता है कॉमन। मोबाइल फ़ोन विथ फंक्शन फ्रंट कैमरा, जियो में भी कैमरा आ गया है बट जियो के फ़ोन में आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो आप बहुत इसलिए बता रहे हो बिकॉज स्टूडेंट्स का डाउट आता है, सर मैं जियो के फ़ोन में दे सकता हूँ एग्ज़ाम? नहीं भैया, आप अच्छे फ़ोन में देना, वरना आप कोको बस एप्लीकेशन नहीं इंस्टॉल कर पाएंगे जियो में तो कहाँ से होगा। बट ज़रूर बता रहा, अच्छा फ़ोन यूज़ करना जिससे आप अपने एग्ज़ाम दे सके, प्रॉब्लम ना फेस करें। इट इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड टू यूज़ सेम सिस्टम, जो अभी मैं बता रहा हूँ इसी प्रोसेस को आपको यूज़ करना होगा 13th January को, जो आपका प्योर एग्जैक्ट एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा। ये 7 to 10 वाला जो जस्ट मॉड्यूल एग्ज़ाम है, पास तो पास फेल तो फेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, 13th January वाला एग्ज़ाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको क्या क्या करना होगा देख सकते हैं। द टेस्ट वेबकॉम माइक्रोफोन इनेबल, आपको यहाँ पे पूरी प्रोसेस दी गई है। माइक्रोफोन इज नॉट डिटेक्टेड एट टाइम ऑफ स्टार्टिंग टेस्ट, क्वेश्चन पेपर विल बी नॉट लोड, काइंडली अलो द वेबकॉम माइक्रोफोन एक्सेस फ्रॉम गूगल क्रोम। क्या करना, गूगल क्रोम में जाइए, सेटिंग में जाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाइए, साइड सेटिंग ये सब में जाना होगा बिफोर द टेस्ट। आपको डू नॉट प्रेस बैक स्पेस, एग्जाम के टाइम आपको बैक स्पेस कभी क्लिक नहीं करना, एक बार क्लिक कर देता बैक हो जाएंगे, पूरा बैक हो जाएंगे और आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। डू नॉट सबमिट द एग्जामिनेशन अनलेस यू हैव अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, टेस्ट वन सबमिटेड विल बी नॉट रेस्ट, मीन्स कि अगर आप एक बार एग्ज़ाम चली, मान लीजिए आपका सब कुछ राइट है, अगर आपके पास टाइम है तो रीड कीजिए सारे क्वेश्चन को, क्या क्या आपने किया है। बिकॉज वाई सर, बिकॉज अगर आप सब कुछ रीड करते हैं तो ओके, अगर आपने बिना रीड के सबमिट कर दिया तो अगेन ओपन नहीं होने वाला आपका वेबसाइट। यू नीड टू अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं दिया है CA फाउंडेशन को, नेगेटिव मार्किंग 0.25 का नेगेटिव मार्क्स होता है, आपको नहीं दिया, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है आपका, तो प्लीज़ यूज़ कीजिए इसको। नहीं अगर सर क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है क्या करूँ, टिक मार दीजिए कुछ भी, किस्मत साथ दिया तो राइट हो जाएगा, अगर रॉन्ग हुआ तो भी आपका मार्क्स नहीं कटने वाला है। अगर ना आता हो तो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब कुछ टिक मार के आना, ना आए तो कुछ भी टिक करना जो आपको लगता हो कि ये तो हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं होगा तो प्लीज़ जो आपको राइट आंसर वही सेलेक्ट करना, बट छोड़ के आने से अच्छा है कुछ तो सेलेक्ट करना। इन केस पावर फेलियर इंटरनेट, अगर फिर भी माना कि ये करने के बाद भी आपका एग्ज़ाम में इंटरनेट का हो गया, चार्जिंग ख़त्म हो गई, तो क्या करें, डू नॉट पैनिक, आपको कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है, सेम उसी जो भी आपका है उसी पे जाके लॉगिन करना, अगेन से पूरा इन्फॉर्मेशन डालना है फ्रॉम द सेम कंप्यूटर, उसी कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल, ये कि नहीं मैं पहला एग्ज़ाम दिया लैपटॉप पे इंटरनेट फेल हो गया तो मेरे सर भैया बाजू में कंप्यूटर था, मैं कंप्यूटर पे ऑन कर दिया मोबाइल फ़ोन में, नो आपको उसी में, अगर आपने लैपटॉप में दिया एग्ज़ाम तो लैपटॉप में ही देना होगा। यू चेंज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्शन, आप अपना वाईफाई कनेक्शन चेंज कर सकते हो। सबमिट फेलियर, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर भैया सबमिट करने से पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम फेस कर दी है, क्या है देख सकते हैं, ये भी सबमिट फेलियर का है, प्लीज डू नॉट पैनिक सॉरी ये सबमिट फेलियर का मैंने आपको बता चुका ऑलरेडी। अगर आपने सबमिट कर दिया है फिर भी मीन्स कि इंटरनेट फेलियर टाइम सबमिशन यू कैन चेंज इंटरनेट सर्विस, ये कॉमन है, आप इसे इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे आपके डाउट खत्म हो जाएंगे। इसके बाद भी आपके माइंड में डाउट आ रहा है, ICMI ने आपको एक मेल आईडी दिया, इस मेल आईडी को आप अपने नोटबुक में नोट कर लेना ताकि उस टाइम आप कांटेक्ट कर सके, और यहाँ पे ICMI के जितने टीम मेंबर है आपसे ज़रूर से ज़रूर कांटेक्ट करेंगे अगर आपने उन्हें मेल किया तो। प्लीज़ अब यहाँ से कुछ स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है मॉड्यूल एग्ज़ाम का 7 to 10 January वाला, क्या है अगेन वीडियो थोड़ी लंबी होगी, हो सके 15 to 20 minutes की हो जाए, बट स्किप दैट, आपको अपने एग्ज़ाम में फोकस रहना है, अभी आप अच्छे से सुनेंगे तो आपके बाद में आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आएगा। स्टूडेंट प्लीज़ फाइंड बिलो द डिटेल्स मॉड्यूल एग्ज़ाम, क्या है मॉड्यूल एग्ज़ाम में 7 to 10 CMA एग्ज़ाम होगा आपका। यू कैन अपीयर द एग्जामिनेशन थ्रू एनी प्रीफेबल डिवाइस, आप किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो सकते हैं, इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं कंप्यूटर लैपटॉप। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे सर देना कंपलसरी है क्या, भैया नहीं दूँ तो चलेगा क्या, प्लीज़ एग्ज़ाम ज़रूर देना है मॉड्यूल टेस्ट, क्यों
आप देंगे तो CMA जब आपका एग्ज़ाम होगा जैन 13th जैन के, उस सेम टू सेम आपका यही एग्ज़ाम उसमें भी होगा, कुछ चेंजेस नहीं, खाली क्वेश्चन बदल जाएंगे, प्रोसेस सेम टू सेम होगा। प्लीज़ गो थ्रू द कैंडिडेट मैनुअल डिटेल्स इंस्ट्रक्शन गिवन लिंक, इस लिंक के थ्रू और भी एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है जिसको मैं आपको बाद में रीड करके बता दूंगा एक सेपरेट वीडियो में। ओके बेटा, आइए अगले चलते। प्लीज़ डू नॉट यूज सेफ टूल्स बिफोर द एग्जामिनेशन डेट एंड टाइम। स्टेप टू स्टार्ट द एग्जामिनेशन, क्या स्टेप होगा आपका एग्ज़ाम स्टार्ट करने का? चेक योर सिस्टम कंपेटेबल है कि नहीं, टेस्ट डाउनलोड द सेफ असेसमेंट ब्राउज़र, सेफ का असेसमेंट टेस्ट ब्राउज़र आपको डाउनलोड करना होगा। अब वो कैसे, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में सेफ टूल्स, रन सेफ विंडो 10 और यूज़ यानी विंडो 7 विंडो 8 जो भी होगा आपका। मोर इन्फो, रन अवे इंटर फंडामेंटल इन एक्सेस टोकन, क्लिक करना होगा आपको स्टार्ट को। जब आप एक बार इस लिंक पे क्लिक करके ऑन करेंगे ना, आपको सब कुछ समझेगा क्लिक ऑन स्टार्ट क्या होता है। अगर आप मोबाइल से दे रहे हो तो आपको कोको बस असेसमेंट को इंस्टॉल करना होगा, एक ये भी है। अब किस तरीके से यहाँ पे लिंक दिया है कोको बस का, मैं रिकमेंड करूँगा सारे जितने स्टूडेंट होंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, एक्सेलेंट, वरना फ़ोन है तो फ़ोन से भी अच्छा होगा कोको बस असेसमेंट इसके ऊपर। बिफोर एग्ज़ाम प्लीज़ प्ले स्टोर अपडेट योर गूगल क्रोम ब्राउज़र, अगेन एग्ज़ाम से पहले गूगल क्रोम ब्राउज़र को बार बार आपको क्या करना होगा, उसको अपडेट करना होगा, फिर से इंटर करना होगा फंडामेंटल मॉड्यूल असेसमेंट, क्लिक ऑन कंटिन्यू, यही प्रोसेस है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना, प्लीज़ नोट कर लीजिए। अब अभी मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ही ले लें, आपको अपने नोटबुक में कोई भी एक नोटबुक होगा वहाँ पर नोट कर लेना होगा, क्या फुल नेम आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन आईडी क्या है आपका, इंटीरियर ओन आइडेंटिफिकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका जेंडर, रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ, योर रजिस्टर्ड डेट ऑफ बर्थ विथ ICAI, मींस कि आप जब रजिस्टर हुए थे वो डेट ऑफ बर्थ सब कुछ यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। मेंशन मींस आप एक जगह पर नोट कर ले, लॉगिन डिटेल्स की बात हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। इनकेस एनी क्वेरी, फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेरी आ रहा है तो यहाँ पे मेल आईडी दिया है, इस पर मेल करना। सारे इंस्ट्रक्शन सारे अपडेट जो है मैंने बता दिया है, वीडियो थोड़ी बड़ी, स्किप दैट, आपको समझा, कहीं भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। थैंक यू स्टूडेंट।